Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। हाल ही में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम बता दिया था, तो इमरती देवी खुद अपने ही बयान से चर्चा में आ गई। इमरती के बयान को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। दरअसल इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इमरती देवी जनसंपर्क के दौरान लोगों से चर्चा करती नजर आ रही है। इस दौरान वह कहती सुनी जा रही है, सुनो भाई साहब, कोई भी हो, जहां इमरती खड़ी हो जाएगी वहां हिंदुस्तान खड़ो नहीं हो जाएगा। डबरा बालिन के संगे इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई लड़ रही है, पार्टी पार्टी जाए भाड़ में। इमरती देवी का यह वीडियो 23 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चुनावी जनसभा के बाद बताया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रदेश मीडिया प्रभारी के शर्मा ने ट्वीट करके वीडियो भी पोस्ट किया और कहा कि एक तरफा सिंघिया कहते हैं कि यह चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का नहीं है, यह चुनाव मेरा है। वहीं उनकी खास मंत्री इमरती देवी का यह बयान बताने के लिए काफ़ी है कि महाराज और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गौरतलब है कि इमरती देवी हाल ही में दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें आइटम कह दिया था। इसके बाद कमलनाथ के इस बयान को महिला विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धरना दिया, तो चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लेते हुए उनसे 48 घंटे के अंदर सफाई मांगी थी। बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होना है। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन जिस तरीके से इमरती देवी का ये बयान चर्चा में बना हुआ है, तो वहीं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भी राजनीति में इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।